हेलो दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो। माँ लक्ष्मी सब पे ऐसी कृपा बरसाती रहे। और गाइज, आप सब लोगों को तो पता ही है कि मेरा फास्ट चल रहा है, तो मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। इवनिंग में भी करती हूँ, बट अभी मैं मॉर्निंग में पूजा कर रही हूँ। और मैंने माता रानी के आगे दिया वगैरह लगा दिया है, और जो भी मेरे को पाठ वगैरह करना था या मंत्र वगैरह जपना था वो मैंने जप लिया है। और अब मैं जो है आरती कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं गणेश जी की आरती कर रही हूँ, क्योंकि हर देवी देवता में गणेश जी की पहले पूजा होती है। तो मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है और अब आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा आरती कर रही हूँ, और उसके बाद मैं लक्ष्मी जी की आरती करूँगी। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय माँ लक्ष्मी। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आज मेरा पांचवा व्रत है। आप लोगों को तो पता ही है मेरा जो लक्ष्मी जी का 16 व्रत मैंने किया है, तो आज मेरा पांचवा व्रत है। और पूजा बस मैंने अभी भी ख़त्म ही करी है मॉर्निंग की। अभी इवनिंग की बाद में करूँगी, शाम के टाइम में कर लूँगी। और गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग्स या रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ अपने बालों की नज़र उतारूंगी कि कैसे बालों की नज़र उतारी जाती है, ये बताऊंगी। और अपने बालों की भी नज़र उतारूंगी, क्योंकि आजकल के टाइम में ना ये समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, सभी लोगों में होती जा रही है। और मेरे भी जो हेयर है ना, काफ़ी टूट रहे हैं, काफ़ी झड़ रहे हैं, हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और बहुत सा तेल मैंने यूज किया बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। जो मेरे अंडर था तो वो मुझे इतना फ़ायदा लग रहा है, तो मैंने मतलब सब लोग कुछ लोगों ने कहा कि ना शायद बालों की नज़र लग गई है, तो मैंने कहा हो सकता है। तो फिर अब मैं सोची कि आज मैं अब जो बालों के उस नज़र को उतारूं। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी उतार सकते हैं ऐसी। और आज ना गाइज मैंने साड़ी डाली है, देखिए काफ़ी दिनों बाद मैंने साड़ी डाली है। मैंने मैं बहुत कम डालती हूँ, बस हमेशा सूट ही डालती हूँ। और साड़ी ना डालने की एक वजह यह कि मैं अच्छे से साड़ी नहीं पहन पाती, मुझे अच्छे से साड़ी नहीं पहननी आती है। कोई कोई साड़ियाँ तो मैं बहुत अच्छे से पहन लेती, बट कोई कोई साड़ी ऐसी होती है कि मुझसे नहीं पहनी जाती है, तो इसी वजह से मैं साड़ी नहीं पहनती, बहुत कम पहनती। बट आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली, अच्छी लग रही थी। मैंने कहा रेड कलर की साड़ी भी है तो डाल लेती हूँ, तो वही मैंने डाल ली। और गाइस, ये मेरे मायके का पूजा घर है, और इसमें साथ ही सारा राशन रखा जाता है, दाल चावल गेहूँ जो भी है, राशन का जितना भी सामान इसी में रखते हैं। और इसमें हम लोग कम ही आते जाते, बस ऐसे कभी कभी आ जाते, उठ जाते, बैठते हैं ऐसे, नहीं तो पूजा करने आते बहुत कम आते इसमें, तो ज़्यादा बकबक नहीं करती। जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते। तो चलते हैं, बालों की नज़र उतारती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कैसे बालों की नज़र उतारी जाती है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक बत्ती जो कि कॉटन की है, और इसे सरसों के तेल में डिप की हुई है मैंने। जो सरसों का तेल उसमें मैंने अच्छे से भिंगो रखा है। तो हमें बालों को पहले ऐसे आगे लेना है, और उसके बाद इससे 7 बार या फिर 11 बार या 21 बार आप फाड़ सकते हो। तो गाय जी, तो मैंने वार लिया है अपने बालों पे से 7 बार, और उसके बाद इसे हमें जलाना है। तो गाइस देखिए, जो बत्ती है वो मेरी जल रही है। और उसके बाद हमें एक चिमटा लेना है, क्योंकि जब हम इसे उठाएंगे तो फिर हमारा हाथ है जो जल जाएगा, इसलिए उठाएंगे। और एक जो ये मैंने साफ जल ले रखा है एक कटोरी में, आप लोगों को भी ऐसी साफ जल लेना है कटोरी में, और इसके अंदर ऐसे इसको टपकाना है। और देखिए नज़र लगी हुई है, तभी इतनी जल्दी जल्दी ये देखिए गिर रही है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए कैसे गिर रही है, ये नज़र लगी है इसीलिए ऐसे गिर रही है। तो आप लोग भी ऐसे ही बालों की नज़र उतार सकते हैं फ्रेंड।
और जब ये गिरना बंद हो जाए तो इसको इस पानी में डाल देना हमें। अब ये नहीं गिर रही है तब इसी में पानी में इस बत्ती को डाल देना ऐसे ही। और गाइज इसके बाद इस जल को ले जाके बाहर डाल देना है कहीं, ठीक है, ऐसी जगह पे डाल देना, मतलब साफ जगह पे डाल देना, कहीं भी डाल देना। और ऐसे ही नज़र उतारी जाती है, तो आप लोग भी ऐसे ही नज़र उतार लीजिएगा। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।